अंग्रेजों का नौकर, इसने संदूक कहां रखा होगा? कितने भी लठैत रख ले, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। हरिओम जीवा। मुझे पहले जैसा जीवा मत समझना कुलकर्णी, मैं तेरा काल बनकर आया हूं। तो वो तू था मुझे धमकियां भेजने वाला? हाँ, तूने मुझे पकड़ के मेरा काम आसान कर दिया। क्या तेरे लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूं जीवा। बोल, किसके साथ है? सिपाही या टंटिया बिल? क्योंकि इतना बड़ा दुस्साहस तू अकेले नहीं कर सकता। लेकिन तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तेरा लोभ भी आखिर तुझे ले डूबेगा ना। लोभ की बात तेरे मुंह से शोभा नहीं देती कुलकर्णी। क्योंकि लोभ के कारण तूने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने लोगों को लूटा। और मैं यहाँ आया हूँ इसे लूटने, ताकि इसे दोबारा गरीबों में बांट सकूं। अच्छा, चोर, 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 विष्णु, चोर, 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 क्या हुआ सरकार? अरे जाओ कुंभकर्णों, पकड़ो उसे। अरे चोर जीवा, जाओ बच्चे पार। Thank you.
Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram कहता हूं बंद करो ये सब। गोली चला दी। ये अंग्रेज सरकार की पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ऐसा क्या हो गया? क्या आप जानती नहीं है द्वारका मई है और यहाँ कीर्तन चल रहा है और यहाँ के गोली चलाने का क्या मतलब है? ये मेरे होने वाले दामाद हैं। इनका यमुना के साथ विवाह तय हुआ है और मैं ये बात जानता हूँ कि कुछ भी अकारण नहीं करेंगे। कीर्तन के बीच में आकर गोली चलाकर तुम्हें कीर्तन रोकना पड़ा तो जरूर कोई वजह होगी। बताओ विष्णु, क्या बात है? आपने कहा था ना कि अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए कर्म ही पूजा है। मैं वही कर रहा हूं। मैं यहां एक चोर को ढूंढते हुए आया। हमने तो कोई चोर आते नहीं देखा और यहाँ तो सभी अपने लोग हैं। चोर अपनों में से भी हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ चोर आया हुआ है और छिपा हुआ है तो उसे पकड़ने में हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। पर ये तो बताइए कि चोर का नाम क्या है और उसने चुराया क्या है? सरकारी खजाना जो मेरे संरक्षण में था। और उसे चुराने वाले का नाम है जीवा। जीवा? असंभव, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और जीवा तो यहाँ आया ही नहीं है। आपको पूरा विश्वास है कि वो जीवा ही था? हाँ, मैंने उसे खुद यहाँ आते हुए देखा है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ आते हुए उसे किसी ने ना देखा हो। अब मुझे कोई बताएगा कि वो कहाँ छुपा है? द्वारका माई में कुछ भी छुपा नहीं है विष्णु। अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो यहीं कहीं है तो तुम ढूंढ सकते हो। मैंने कहा था ना, ये देखो। ये जीवा नहीं है। ये रहा जीवा।
ये क्या मजाक है विष्णु? तुम सब में जीवा को ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम्हें हर इंसान में जीवा ही दिख रहा है। तुम जीवा में चोर ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम्हें चोर ही दिखता है। सत्य कभी अधूरा नहीं होता, और सत्य अधूरा हो तो वो सत्य नहीं होता। सत्य तो संपूर्ण है, और संपूर्ण सत्य को समझने के लिए तुम्हें अपने पूर्वाग्रह का त्याग करना होगा। मैं यहाँ आपका प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। मैं अपना काम, अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार अच्छी तरह से जानता हूँ। इस मायाजाल में आप मुझे उलझाकर मेरे कर्तव्य निर्वाह पर बाधा बन रहे हैं आप। बाधा मैं नहीं बन रहा विष्णु, बाधा बन रहा है तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा पूर्वाग्रह, और यही तुम्हें सत्य तक पहुंचने नहीं दे रहा है। जिस पल तुम अपने अहंकार, अपने पूर्वाग्रह का त्याग कर दोगे, अपने कर्तव्य निर्वाह की शपथ को पूरा कर लोगे, मुझ पर विश्वास करकर इस सरकारी कोष की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चूंकि अब चोरी हो चुका है, वो भी मेरी आंखों के सामने, मैं उसे पकड़ चुका होता। अगर वो कीर्तन में जाकर नहीं छुपा होता, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। अरे ओ, दोष तुम्हारा नहीं है विष्णु, वो है ही ऐसा। इससे पहले बहुत लोगों को भ्रमित कर चुका है वो अपने माया जाल से, लेकिन वैसे तो बड़ा फकीर बना फिरता है। मैंने तो सुना है यहां आने से पहले वो झांसी में था, सैनिक बनके अंग्रेजों का विरोधी। हरि ओम। वो जीवा जब भाग रहा था उसके हाथ में कुछ नहीं था, अगर संदूक होता तो मुझे दिख जाता। इसका मतलब यह है कि वो संदूक यही है। नहीं नहीं नहीं, मैं सभी जगह देख चुका हूं, कुछ नहीं है। मुझे लगता है उसके साथ कोई और था, उसका साथी। मतलब जीवा ने तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ किया और वो साथ ही संदूक लेके भाग गया। अंग्रेज सरकार को पता चला तो मेरी नौकरी छिन जाएगी, और पता नहीं मुझे क्या सजा देंगे। जीवा को शरण देकर साई ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब साई का पतन निश्चित है, लेकिन मुझे इसमें विष्णु की सहायता चाहिए होगी। इसे अपने पक्ष में बना के रखना होगा मुझे। हरिओम। विष्णु तुम चिंता मत करो, इस संकट में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेज अधिकारियों से जान पहचान है मेरी, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। हरिओम। विष्णु का उतना दोष नहीं है, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन मुझे चिंता तो मालसापति जी की हो रही है। कल जब विष्णु ने गोली चलाई या तुमसे अच्छे से बात नहीं की तो मालसापति जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
बायसमा महालसपति जी समझदार है, ज्ञानी है वो, और जहां तक विष्णु की बात है उसके सीखने समझने के लिए अभी बहुत कुछ है। वो अभी अपना मार्ग ढूंढ रहा है। दाता ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही मनुष्य की सूझबूझ भी बढ़ती है। ज्ञान केवल पुस्तकों में लिखी बातों को पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है उन पुस्तकों में लिखी बातों का अपने जीवन में पालन करने से, जीवन के अनुभवों से, और ये बहुत धैर्य का काम। कल ये जो कुछ हुआ, कहीं उसे यमुना के विवाह में किसी तरह की कोई बाधा तो? अगर नियति में विवाह लिखा है तो नियति हर बाधा को दूर कर देगी। ऐसे भी अंत में सुखी दाम्पत्य के लिए सभी को सही मार्ग ढूंढना ही पड़ता है, और उस मार्ग पर चलते रहने का संतुलन भी, निरंतर परिश्रम, प्रयास और पारस्परिकता ही सुखी दाम्पत्य का मंत्र है, और श्रद्धा और सबूरी उसकी शक्ति। दामाद जी आप अंदर जाइए, मैं यही प्रतीक्षा करता हूं, और आप चिंता मत कीजिएगा, साईं कृपा से सब अच्छा ही होगा। तुमको ट्रेजर को गार्ड करने के लिए भेजा था और तुम सो रहा था। मुझसे गलती हो गई सर। नहीं सरकार, विष्णु, इसमें विष्णु की कोई गलती नहीं है। हाँ, विष्णु की नहीं, तुम दोनों की है। मिस्टर कुलकर्णी, आई बिलीव ये चोरी आपके घर से हुए, आपके रहते हुए। अगर आपसे नहीं संभाल रहा है तो we will appoint a new administrator, naya mukhya। नहीं सरकार, ऐसा मत कहिए, इससे पहले ऐसा कभी अवसर दिया है मैंने आपको? नहीं, ये पहली बार हुआ है। हर बार अपनी निष्ठा का परिचय दिया है आपको, आपके हर आदेश का पालन किया है मैंने। पंद्रह दिन देता हूं, चोर और खजाना दोनों का पता लगाओ। इसकी पनिशमेंट तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, नौकरी खो जाएगी। क्योंकि कोर्ट में यही प्रूफ होगा कि तुम उन रेबल्स के साथ मिले हुए हो। यू विल बी कॉल्ड अ ट्रेटर। खत्ता, नहीं सरकार, आप मेरा विश्वास करिए, विष्णु निर्दोष है और वो उन विद्रोहियों के साथ भी नहीं है, ये मैं अपने खून से लिख के दे सकता हूं। मैं विष्णु की हर संभव सहायता करूंगा सरकार। 15 दिन से पहले हम राजकोष और उस विद्रोही को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरी शिरडी उतना धन आपको लौटाएगी जितना धन उस संदूक में था।
खान सरकार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.